तो हमने आपके साथ जो नया चैप्टर शुरू करा था उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी करेंसियां हमारे देश की करेंसी को छोड़कर होती हैं उन सबको हम फॉरेन एक्सचेंज कह देते हैं। नंबर टू, फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक पेन का रेट होता है, उसी तरह एक शूज़ का मान लो रेट होता है, उसी तरह एक करेंसी का भी रेट होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक ऐसे एग्जाम्पल लिख रखा है कि $1 खरीदना है अगर, तो उसका रेट है 80 रुपी। तो हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर मुद्दे की चीज़ जो हमने मेन सीखी थी वो ये कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक मैंने आपको बताया था फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें सरकार जो है वो निर्धारित कर देती है कि क्या रेट रहेगा, तो इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है और इससे स्पेकुलेशन नहीं होता। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसके लिए सरकार को अपने पास एक बहुत बड़ा रिजर्व बनाकर रखना पड़ता था। फिर आया दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसका नाम था फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, तो इसीलिए इसमें रेट्स बार बार बढ़ते चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, तो स्पेक्यूलेशन भी होता है और इसमें स्टेबिलिटी भी नहीं रहती। और इसमें जो रेट डिटरमाइन होता है एक्चुअल में, वो कैसे होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और पूरी दुनिया जो फॉलो करती है मेनली, वो कौन सा होता है? मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रेट डिटरमाइन तो मार्केट फोर्सेस से ही होता है, पर इसके अंदर कुछ इंटरवेंशन आरबीआई कर देता है, जो वैसे हम बाद में सीखेंगे। बाकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट, आप आज ही खरीद लेते हो, एक होता है फ्यूचर मार्केट, जिसमें आप आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। और फंक्शंस मैंने कहा था कि अच्छे से याद रखने हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के तीन फंक्शन होते हैं। पहला सिखाया था ट्रांसफ़र फंक्शन, आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री फंड ट्रांसफ़र करना हो। दूसरा सिखाया था क्रेडिट फंक्शन, आपको अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर करनी हो, उधार पर करनी हो। और तीसरा सिखाया था हेजिंग फंक्शन, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आप अपने होने वाले लॉस को थोड़ा सा कम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। चलो, तो आज हमें कोशिश है कि अच्छी दो बातें सीखेंगे। तो जो आपका पेज 1 है, बेसिकली ये वाला फर्स्ट पेज, इसका लेफ्ट पेज पूरा का पूरा खाली होगा, तो वहाँ पे आना है आपको। तो इस वाले पेज के लेफ्ट वाले पेज पर जो पूरा का पूरा खाली है उस पर आना है, और उस खाली पेज को पूरा बीच से लाइन लगा लो, स्केल से हाफ कर लेना पूरे पेज को, उस खाली पेज को पूरा हाफ कर लेना। चलो, तो पेज को हाफ करने के बाद आपको पहले लेफ्ट वाले साइड पे, हम पूरा डिस्कशन जो करेंगे वो पहले लेफ्ट साइड पे करेंगे, तो राइट साइड को अभी आप खाली छोड़ देना। ठीक है, तो आप इसमें लिखो अर्लियर $1 इज इक्वल टू ₹40, अर्लियर $1 इज इक्वल टू ₹40। इसके नीचे लिखो नाउ, हाँ नाउ वही करना है, लेफ्ट पेज पर ही, नाउ $1 इज इक्वल टू ₹80। तो देखो बच्चों, दिस इज अब दिस इज के आगे लिखने से पहले थोड़ा सा पहले समझा देता हूं आपको। हमने लिखा अर्लियर $1 इज इक्वल टू ₹40। थोड़ी देर के लिए आप डॉलर को डॉलर की तरह मत सोचो, ये सोचो आप पेन खरीदने जाते थे। तो आपने पूछा भैया, दुकानदार भैया, पेन कितने का? तो भैया ने बोला, दुकानदार भैया ने, पेन है 40 का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप आज दोबारा वही पेन खरीदने गए कि भैया वो जो पेन खरीदता था मैं, वो आज मैं खरीदने दोबारा आया हूँ, तो भैया कह रहे हैं आज ये पेन 80 का है।
तो आप इसको क्या बोलोगे, मतलब एक सिंपल लेमैन व्यक्ति क्या बोलेगा कि पेन का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यही बोलेगा आप इसको क्या बोलोगे, पेन का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और आपके लेवल का एग्जांपल ले लेता हूँ, आप एक प्लेट मोमोज खाने जाते थे तो वो पहले 40 रुपये में आ जाती थी, अब आप आज एक प्लेट मोमोज खाने गए वो कितने की है, तो आप क्या बोलोगे, मोमोज का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यही बोलोगे ना। अब सेम लॉजिक, अब मोमोज हटा दो, पेन हटा दो, अब उसकी जगह यहाँ डॉलर अगर लिखा है कि 1 डॉलर 40 का है, मतलब पहले था अर्लियर, और आज आप डॉलर खरीदने गए और डॉलर जो है वो अब 80 का है, तो अब क्या बोलोगे कि जैसे पेन का रेट बोला, मोमोज का रेट बोला, तो क्या बोलोगे, डॉलर का रेट इंक्रीज हो गया, यही बोलोगे ना। तो हम डॉलर को डॉलर नहीं बोलेंगे, अब इस चैप्टर में हम डॉलर को डॉलर नहीं बोलेंगे, आप मन में चाहे डॉलर बोल लेना, मन में चाहे डॉलर सोच लेना, लेकिन हम डॉलर को बोलेंगे या लिखेंगे क्या, फॉरेन एक्सचेंज, हम क्या बोलेंगे इसको, फॉरेन एक्सचेंज। तो मैं चाहे आपको डॉलर बोलूं, आप चाहे मुझे डॉलर बोलो, मैं मन में डॉलर सोचूं, आप मन में डॉलर सोचो, एग्जाम में क्या लिखना है, फॉरेन एक्सचेंज। बात समझ आ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब बोलो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी की, ये क्या बन गया, फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज हो गया, तो हम ये लिखेंगे इधर। तो अब आप लिखो, दिस इज, इसे कहते हैं इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको अंडरलाइन कर लेना, दिस इज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इसे कहा जाता है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसके नीचे आपको एक बादल बनाना है, बड़ा सा सुंदर बादल। सबसे मज़ेदार बात ये कि हम इसे इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट भी मतलब नहीं बोलते, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वैसे चाहे गली मोहल्ले में आप बोल दो अपने दोस्तों को तो अलग की बात है, लेकिन इसको भी हमने एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनर नाम दे रखा है कि इसको भी हम कुछ और बोलते हैं जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, जो आप भी बोलोगे अब, क्योंकि अब आप भी पढ़ लिख लोगे। तो इसे हम बोलते हैं, लिखो बड़ा बड़ा लिख लेना, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो जब भी डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो हम उसे कहते हैं, या पढ़े लिखे लोग इसे कहते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। दैट इज, बादल के नीचे लिख लो, दैट इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो आपके और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग अब ये भी नहीं कहते इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट या इंक्रीज इन डॉलर, हम इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, यानी कि अभी इंग्लिश में लिखा है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो आप ध्यान से सुनना, बस लिखना नहीं है। कभी भी आप इस तरह की एक्टिविटी होते हुए जब देखते हो, हालांकि तो कभी आपने देखा नहीं होगा, यानी कि जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, तो इसमें न्यूज़ में भी, मतलब जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं, जो बिजनेस चैनल्स पर न्यूज़ रीड करते हैं, वो भी इसको एक प्रॉपर न्यूज़ की तरह बताते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए इकोनॉमिक न्यूज़ होता है। तो जो हिंदी वाला न्यूज़ एंकर होता है वो इसको क्या बोलता है, मैं एग्जैक्ट आपको सुनाता हूँ, वो ये बोलता है, इसकी हिंदी होती है कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है, यानी रुपी जो है वो कमजोर हो गया, वो इसकी एग्जैक्ट ये न्यूज़ रीडर सेंटेंस बोलता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर। इसका मतलब ये होता है कि आपको 1 डॉलर खरीदने के लिए पहले कितने रुपए देने पड़ते थे,
40, मतलब एक पेन खरीदने के लिए, डॉलर को वही थोड़ी देर पेन समझ लो, पहले आपको एक पेन खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ते थे? 40। लेकिन आज वही पेन खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80। तो इसका मतलब है पेन जो है वो स्ट्रांग हो गया, पेन जो है वो महंगा हो गया। तो अब पेन को अगर आप डॉलर से रिप्लेस करके सोचो, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डॉलर क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। तो डॉलर के स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है कि हम, यानी कि हमारी करेंसी क्या हो गई? वीक हो गई। वीक होने का मतलब है कमजोर हो गई। कमजोर होने का मतलब इंग्लिश में कहते हैं कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। तो इसीलिए इसका एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। तो समझ आया करेंसी डेप्रिसिएशन? तो ये बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम ऐसे सोचें कि डॉलर का रेट बढ़ गया, तो उसे हम बोलेंगे क्या? करेंसी डेप्रिसिएशन, ये बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, वन नंबर में पूछ ले तो, दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसका हिंदी में मतलब है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी हमारा रुपया कमजोर हो गया, हमारा रुपी कमजोर हो गया, वीक हो गया। फिर इसके नीचे लिखना है, इसी के नीचे इफेक्ट्स, और अंडरलाइन कर लेना। तो इसका इफेक्ट समझाने के लिए मैं एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर लेता हूँ, सिर्फ ऐसे ही, बेसिकली सिर्फ अपनी बातों को समझाने के लिए। बस आप ध्यान से सुनना ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आती रहें। तो ये मान लेते हैं, ये हैं ओम भाई हमारे। तो ओम भाई को मान लेते हैं पॉकेट मनी मिलती है कितने रुपए? 80 रुपए, ये इनकी पॉकेट मनी है। अब ये बैठे हैं घर पे, ठीक है, और इन्होंने देखा कि भाई एक टी शर्ट मिल रही है ऑनलाइन, ठीक है, इन्होंने देखा एक टी शर्ट मिल रही है ऑनलाइन, बड़ी अच्छी टी शर्ट है जॉन सीना की। तो इस पे उन्होंने देखा कि इस पर $1 का बिल्ला लगा हुआ है, मतलब $1 का प्राइस टैग लगा हुआ, बिल्ला मतलब समझे ना, प्राइस टैग लगा हुआ है $1। तो पहले पहले मतलब पुराने टाइम पर, कुछ महीने पहले, $1 कितने रुपए का होता था? 40 रुपए का होता था। तो ओम भाई इतने बड़े फैन हैं जॉन सीना के, तो ओम भाई के पास कितनी पॉकेट मनी है? 80। तो अब ये बताओ कि अगर जॉन सीना की एक टी शर्ट $1 की है और ओम भाई के पास 80 रुपए हैं, तो वो कितनी टी शर्ट्स खरीद सकते हैं? दो। वेरी गुड। तो ओम भाई ने फटाफट अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया और कितनी टी शर्टें मंगवा ली? दो टी शर्टें मंगवा ली। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में, मैं मान लेता हूँ कि पूरे देश में सिर्फ एक ओम भाई ही हैं जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पूरे देश का इम्पोर्ट कितना हो गया? दो, एक तरह से, है ना। तो हमारे देश में दो टी शर्टें इम्पोर्ट होकर आ गई। कट टू नाउ, मतलब नाउ का मतलब है अब क्या हुआ। अब आज भी ओम भाई की पॉकेट मनी कितनी ही है? ऑब्वियसली मान लेते हैं वही 80 रुपए ही है, मम्मी ने आज भी उनको 80 रुपए ही दिए। और लेकिन आज $1 का रेट क्या हो गया? 80 हो गया। तो आज भी ये बैठे हैं कंप्यूटर के आगे और आज भी इन्हें जॉन सीना की टी शर्ट पसंद आ गई और जॉन सीना की उस टी शर्ट पर आज भी $1 का ही बिल्ला लगा हुआ है। अब बिल्ला मतलब चलो प्राइस टैग लगा हुआ है। तो अब ये बताओ कि अब अगर ये जॉन सीना की टी शर्ट $1 की है, तो अब ओम जी कितने टी शर्ट मंगवा सकते? एक मंगवा सकते हैं। क्या ये दो मंगवा सकते हैं? नहीं मंगवा सकते। अब नहीं मंगवा सकते ना। तो आपको बस ये समझना है जो मैं आपको बताऊंगा मुद्दे की बात। तो अब इम्पोर्ट्स कितने हो गए हमारे देश में? एक हो गया। तो अब देखो, आपको ये मुद्दा समझना है, जब भी डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जैसा मैंने आपको बढ़ा के दिखाया, तो उससे हमेशा 100% इफेक्ट हो गया कि हमारे देश के इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि जैसे अकेले ओम के साथ हुआ, वही बहुत सारे लोगों के साथ होगा,
तो जो लोग पहले ज्यादा खरीद सकते थे वो लोग अब कम खरीद पाएंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो जॉन सीना की टी शर्ट पहले इनको सिर्फ 40 रुपए में मिल जाती थी, इनके लिए सस्ती थी, वही जॉन सीना की टी शर्ट अब कितने रुपए की मिलेगी इन्हें? 80 रुपए की मिलेगी। वही जॉन सीना की टी शर्ट इनके लिए महंगी हो गई, मतलब कि कॉस्टलियर हो गई। तो जब भी डॉलर का रेट बढ़ेगा तो बताओ पहला इफेक्ट इससे क्या होगा? हमेशा इम्पोर्ट कम हो जाएगा। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को कि क्यों ऐसा हो रहा है? वेरी गुड, चलो तो ये लिखेंगे हम पहला इफेक्ट। तो इफेक्ट्स में नंबर वन आपको लिखना है इम्पोर्ट डिक्रीजेस, इम्पोर्ट डिक्रीजेस, और इसी के आगे लिख लो बिकॉज फॉरेन गुड्स, बिकॉज फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टलियर, क्योंकि अब जॉन सीना की टी शर्ट महंगी हो गई, बिकॉज फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टलियर। तो ये तो हो गया पहला इफेक्ट, तो इम्पोर्ट हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। चलो अब दूसरी कहानी, तो अब हम एक दूसरी कहानी चेक करते हैं। दूसरी कहानी को समझने के लिए फिर से एक सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना बस कि अब क्या होगा। तो अब मान लेते हैं कि अब हमारे देश में कोई कंपनी है, ठीक है, और ये है मान लेते हैं पतंजलि कंपनी, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव भी अपनी टी शर्ट्स बनाते हैं मान लो इंडिया में बैठ के। अब इस बार यूएस में कोई बच्चा रहता है, यूएस में बच्चे का नाम है मान लेते हैं टोनी। अब टोनी की मम्मी भी उसको पॉकेट मनी देती हैं, तो टोनी की मम्मी उसको पॉकेट मनी देती है 1 डॉलर की, ठीक है जी। अब बाबा रामदेव की टी शर्ट पे प्राइस टैग लगा हुआ है, प्राइस टैग, ठीक है, कितने रुपए मान लेते हैं लगा हुआ है? 20 रुपी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, प्राइस टैग 20 रुपी का प्राइस टैग लगा हुआ है, और 1 डॉलर पहले कितने रुपए का था? 40 रुपए का था। तो जैसे यहाँ पे इंडिया में ओम भाई कंप्यूटर पे बैठे सर्फिंग कर रहे थे, उन्हें अच्छा लगा जॉन सीना की टी शर्ट देखी, तो इसी यूएस में बैठे टोनी को भी कंप्यूटर में सर्फिंग करते हुए अचानक बाबा रामदेव की टी शर्ट दिखी जो उसको पसंद आई, उसको लगा कि ये टी शर्ट बहुत अच्छी है, और टोनी की पॉकेट मनी है 1 डॉलर की। तो टोनी जो है अब 1 डॉलर की अपनी पॉकेट मनी से कितनी टी शर्टें बाबा रामदेव वाली खरीद लेगा? 2 टी शर्ट खरीद लेगा, वेरी गुड। तो टोनी ने 2 टी शर्टों का ऑर्डर कर दिया। तो मान लेते हैं पूरे देश में सिर्फ बाबा रामदेव की टी शर्ट ही बिक रही है विदेशों में जाकर, तो हमारे देश का एक्सपोर्ट कितना हुआ, मतलब कितनी टी शर्टें गई? बोलो ना, टोनी ने कितनी टी शर्टें खरीदी थी? 2। हाँ तो 2 ही लेते हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि पूरे देश में और कुछ एक्टिविटी नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो हमने कितने एक्सपोर्ट करे? 2, 2 टी शर्ट एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है जी। कट टू आज की कहानी, अब आज भी वही बाबा रामदेव की टी शर्ट है, आज भी वही 20 रुपए का उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, आज भी वही टोनी अपने घर में बैठा हुआ है, आज भी वही टोनी की पॉकेट मनी मम्मी ने 1 डॉलर उसको दे दी, लेकिन आज 1 डॉलर का रेट हो चुका है 80 रुपी, और टोनी को फिर से वही बाबा रामदेव की टी शर्ट बहुत पसंद आई 20 रुपये की। तो आज टोनी घर पे बैठा बैठा कितनी बाबा रामदेव की टी शर्टें ऑर्डर कर देगा? 4 कर सकता है, वेरी गुड। तो आज टोनी घर पे बैठा बैठा बाबा रामदेव की कितनी टी शर्टें ऑर्डर कर देगा? 4। तो आज अब हमारे देश के हिसाब से अगर देखें एक्सपोर्ट कितना हो गया? 4 हो गया, 4 टी शर्ट्स का हो गया। तो आपको कहानी समझ आई? तो इसका मतलब ये कि जो टोनी के साथ हुआ वही बहुतों के साथ भी होगा। तो इसका मतलब ये कि जब भी डॉलर का रेट बढ़ेगा, जब भी, तो 100% हमारे देश का एक्सपोर्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे गुड्स टोनी के लिए अब सस्ते हो गए, क्योंकि जो टी शर्ट उसको पहले 20 रुपए की सिर्फ 2 खरीद पाता था वो
अब वही 20 रुपए की टी शर्ट अब वो 4 खरीद पाएगा, तो टोनी के लिए हमारे प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये है हमारा दूसरा इफेक्ट बेसिकली। तो इफेक्ट में एक लिख लिया ना आपने, तो दूसरा लिख लो नंबर टू। नंबर टू है एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, एक्सपोर्ट इंक्रीजेस बिकॉज, क्यों, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर। ठीक है, तो बस पहले यहाँ तक की एक लाइन लगा लो, तो यहाँ तक अपने आप में एक टॉपिक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक कितने तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं 1 और 3 नंबर के अंदर। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है छोटे छोटे एप्लीकेशन बेस्ड में, आपको सीधा देगा रेट देगा, फिर कहेगा देख के बताओ ये क्या है। तो जब भी डॉलर का रेट बढ़ेगा आप क्या आंसर दोगे कि क्या है ये, करेंसी डेप्रिसिएशन। दूसरा 1 नंबर का क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि करेंसी डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताओ, तो फिर आपको ये दैट इज़ वाली कहानी लिखनी है, दैट इज़ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फिर वो इसी को 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बना देता है, वो कहता है व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन एंड ऑल्सो स्टेट या ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स। तो फिर आपको ये दोनों पॉइंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। इन दोनों पॉइंट्स की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तो आप चिंता मत करना कि सर ये तो बड़े छोटे से लग रहे हैं, ये छोटे ही हैं क्योंकि और कुछ इसमें नहीं है। तो आप इसमें टोनी की या बाबा रामदेव की कहानियां तो लिखोगे नहीं, तो वो अपने आप में यही बातें हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया पहले इतना पोर्शन, लाइन लगा लो। अब लाइन के नीचे बस एक क्वेश्चन लिखना है छोटा सा, पहले लिखते हैं फिर बताता हूँ क्वेश्चन में क्या है कहानी। क्वेश्चन है हाउ डज RBI brings down the foreign exchange rate? Question mark. How does RBI brings down the foreign exchange rate? तो बस ये क्वेश्चन क्वेश्चन लिख के आपको छोड़ना है, इसका सॉल्यूशन अभी नहीं लिखना क्योंकि अभी हमने पूरा बातें पढ़ा नहीं है कि क्या इसमें अप्लाई होगा। लेकिन क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि RBI ऐसा क्या करेगा जिससे ये रेट कम हो जाए, क्योंकि देखो डॉलर का रेट बढ़ गया था, कितना हो गया था, देखो पहले 40 था अभी कितना हो गया था 80। तो बेचारे RBI को चिंता हो जाती है कि यार ये तो 80 हो गया, तो अब RBI ऐसा क्या करेगा कि ये रेट 80 से कम होके वापस हो सकता है 50 हो जाए या 60 हो जाए, जो भी है कम हो जाए, ऐसा क्या करेगा, ये है क्वेश्चन। लेकिन ये हम सीखेंगे बाद में क्योंकि अभी हमने सब कुछ पढ़ा नहीं है। तो बस आप क्वेश्चन लिख के जगह छोड़ के खाली छोड़ दो। तो क्लियर हो गया पहले इतनी कहानी। चलो, तो जो खेल हमने अब लेफ्ट पार्ट में करा, अब बिल्कुल उसी का विपरीत खेल राइट पार्ट में करेंगे। तो अब आप राइट वाले पार्ट में आ जाओ। अब इसमें लिखो अर्लियर $1 इज इक्वल टू ₹100। मान लेते हैं पहले $1 ₹100 का था। नाउ $1 इज इक्वल टू ₹50। तो अब वो ₹50 का हो गया। तो इसके नीचे लिखो दिस इज, आप बताओगे ये इसे क्या बोलेंगे, दिस इज, हाँ बिल्कुल सही, तो इसे बोलेंगे दिस इज डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन पढ़े लिखे लोग आपकी तरह ये भी नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, हाँ तो इसको पढ़े लिखे लोग बोलते हैं
करेंसी एप्रिसिएशन, जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है, करेंसी एप्रिसिएशन, बिल्कुल सही। फिर उसके नीचे अब क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन, या इसका मीनिंग बताओ, तो क्या लिखोगे फिर आप? दैट इज वेरी गुड। तो इसका मतलब हो गया दैट इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो मतलब सिंपल बात समझ आ रही है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो रहा है। तो इस बार जो हिंदी न्यूज रीडर होगा वो पता है इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? न्यूज रीडर वो कहेगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया, यानी कि स्ट्रांग हो गया। तो जैसे इधर वो बोलता है कि हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई या हम कमज़ोर हो गए, हम वीक हो गए, तो उधर वो बोलेगा एप्रिसिएशन में कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई या हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो उसे बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। सिंपल। और फिर आप ये भी बता दोगे फिर तो, क्योंकि आप होशियार हो ही बचपन से, इफ़ेक्ट्स करेंसी एप्रिसिएशन के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? नंबर वन, इम्पोर्ट डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? इंक्रीजेज, हाँ उसका उल्टा करना है बस, इम्पोर्ट इंक्रीजेज। तो इस बार पूरा डेमो करके दिखाऊं या आपको भरोसा है मुझ पर कि हाँ ये हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो भरोसा है, पूरा डेमो तो नहीं करना, ठीक है, लेकिन चलो रीज़न बताओ। अच्छा, इम्पोर्ट इंक्रीजेज बिकॉज में क्या लिखें? बिकॉज फिफ्टी में, बिल्कुल सही है। तो अब हम ज़्यादा खरीद सकते हैं बाहर का सामान, तो हम इसको लिखेंगे बिकॉज फॉरेन गुड्स बिकम चीपर, क्योंकि आपको पहले एक टी शर्ट खरीदने के लिए मान लो 100 रुपये लगाने पड़ते थे एक डॉलर के लिए, अब आपके खाली 50 रुपये में काम हो जाएगा, तो आप ज़्यादा खरीद सकते हो, तो इम्पोर्ट इंक्रीजेस। और दूसरा इफेक्ट एक्सपोर्ट डिक्रीजेस। तो इसका डेमो देखना है या भरोसा है कि हाँ हो ही जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिक्रीजेस, तो रीजन बता दो, बिकॉज क्यों कम होगा एक्सपोर्ट? बिकॉज हाँ, तो इसका मतलब बाहर बैठे टोनी के लिए हमारे गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बिल्कुल सही, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स बिकम कॉस्टलियर, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स बिकम कॉस्टलियर। बस फिर उसके नीचे लाइन लगा के बस क्वेश्चन लिखकर छोड़ना है। हाउ डज RBI brings up the foreign exchange rate? How does RBI brings up the foreign exchange rate? यानी कि RBI कैसे अब इस foreign exchange rate को बढ़ाएगा, ऊपर लाएगा? तो दोनों क्वेश्चनों को अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो ये बातें या ये क्वेश्चंस कौन से रेट ऑफ सिस्टम में ही पॉसिबल है? मैनेज फ्लोटिंग, क्योंकि मैनेज फ्लोटिंग में ही आपको मैंने बताया था कि उसमें रेट निकलता अपने आप है, पर बाद में आरबीआई क्या करता है? इंटरफेरेंस करता है। तो मैं आपको ये बाद में सिखाऊंगा कि आरबीआई कैसे इंटरफेरेंस करके रेट को बढ़ा भी सकता है और थोड़ा सा घटा भी सकता है, तो ये हमें बाद में सीखने, क्योंकि अभी हमने सारी बातें पढ़ नहीं रखी, बट आरबीआई चाहे तो रेट थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकता है।
तो पहले ये बताओ, ये वाला मेन टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन, ये क्लियर हो गया? चलो उसके बाद तो अब आप अपने नोट्स पे वापस आ सकते हो। तो एक जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिमांड या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें पहले एक छोटी सी लाइन लिखनी है आपको, लिखो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें क्या क्या हाईलाइट या ब्लॉक बना ला, इनवर्स बना लेना सबसे इम्पोर्टेंट, और प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को अंडरलाइन कर लो और क्वांटिटी डिमांडेड को अंडरलाइन कर लो। तो ये पहली लाइन तो वैसे जो अगर मैं किसी 11th के बच्चे को भी बैठाऊं तो वो भी कहेगा हाँ सर ये तो मुझे पता है। तो जैसे आपने बचपन में, अगर आपको याद हो, अगर मैं पेन का एग्जांपल ही ले लूं, अगर पेन का प्राइस बढ़ेगा, मान लो पहले पेन 10 रुपये का आता था तो आप 100 यूनिट्स खरीदते थे, लेकिन अब अगर पेन 20 रुपये का आएगा तो अब आप ऑटोमेटिकली, आपकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये याद है 11th में लॉ ऑफ डिमांड, कम हो जाएगी, मान लो 80 हो गई। तो इसका मतलब आप बचपन में प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशन बताते थे, इनवर्स रिलेशन। तो जो चीज़ पेन के लिए एप्लीकेबल है तो वो दुनिया की हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें एक नियम डिमांड का हमेशा यूनिवर्सल है, वो है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जैसे अगर मैं पेन की जगह डॉलर बना कर दिखाऊँ, तो अगर $1 मान लेते हैं 1 रुपये का है, तो फिर तो हर गली मोहल्ले में राह चलता आदमी भी कहेगा चलो डॉलर खरीद लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, 1 रुपये का ही तो है $1। और अगर यही $1 मैं कह दूं कि ये 10,000 रुपये का है, तो क्या फिर भी लोग उतनी ही डिमांड करेंगे डॉलर की? फिर नहीं करेंगे ना, फिर बहुत कम लोग करेंगे डिमांड। तो इसका मतलब डॉलर के अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो जो पहला सेंटेंस है वो बेसिकली बस यही है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, आप इस पर स्टार लगा लो। तो ये दो फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि मतलब क्या क्या सोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड के, और इसी को वो दूसरी भाषा में ऐसे पूछ लेता है कि व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट। तो मैं ये वाला समझा देता हूँ, मतलब इसके हिसाब से समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आएगा कि भाई आप घर में बैठे हो यहाँ, ठीक है, आप अपना घर में बैठे हो अपने, तो आपको अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप कह रहे हो मुझे डॉलर चाहिए? आपको क्यों डॉलर चाहिए? क्या आपको भी यहाँ बैठे अभी डॉलर चाहिए क्या? क्या ज़रूरत है? मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि वाई डू यू नीड डॉलर्स, यानी सेकंड क्वेश्चन यही कह रहा है कि वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट। तो आपको क्यों चाहिए डॉलर, वाई? हाँ, तो मैडम कह रही है कि मुझे बाहर US घूमने जाना है। सर बिल्कुल सही, अगर आपको बाहर US घूमने जाना है तो वहाँ पे क्या पिंक वाले गांधी जी के 2000 के नोट लेके जाओगे? वहाँ पे तो आपको घूमने के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। वेरी गुड, एक पॉइंट ये हो गया। और क्यों चाहिए डॉलर आपको? एसेट परचेज। मैडम कह रही है कि मैं दुबई में घर खरीदना चाहती हूँ, तो दुबई में घर खरीदने के लिए क्या वहाँ पे हम गांधी जी वाले पिंक नोट्स दे सकते हैं कि ये लो पैसे लो और हमें घर दे दो? नहीं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और
हाँ वो भी हो सकता है एक पॉइंट। हाँ तो इतना स्पेसिफिक क्यों बताना आप सीधा कुछ भी लेने के लिए, भाई सीधा बोलो सर मुझे जॉन सीना की टी शर्ट खरीदनी है। आपको भी कुछ खरीदना होगा, यूएस से अगर आप कुछ खरीदोगे तो भी तो आपको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, है ना। तो हम चार पॉइंट्स इसमें लिखेंगे, मतलब आपको लिखवाते हैं तो आप लिखो मेरे साथ 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 समझ लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है क्यों डॉलर चाहिए, नंबर वन, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, है ना, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो दैट इज इम्पोर्ट्स। तो अगर आप फॉरेन से कुछ भी खरीदोगे, कुछ भी, तो वो आपसे गांधीजी वाले पिंक नोट तो लेगा नहीं, वो तो कहेगा भाई मुझे तो डॉलर चाहिए। सेकेंड पॉइंट, टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स, जो मैडम ने सही बताया था कि सर हमें तो बाहर घूमने जाना है यूएस, तो अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो वहाँ पे आप अपने रुपए तो लेकर जाओगे नहीं, तो फिर आपको डॉलर्स चाहिए। तीसरा, टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, आपको घर खरीदना है दुबई में तो फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि दुबई में घर खरीदना है, कहीं भी घर खरीदना है फॉरेन कंट्री में, तो आपको वहाँ पे रुपए तो आपको कोई लेगा नहीं। और चौथा, टू सेंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ब्रैकेट में लिखना, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ब्रैकेट क्लोज, टू फॉरेन कंट्रीज। अब आपका कज़न कनाडा में रहता है, आप उसके बर्थडे पर कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे बर्थडे पर कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ तोहफे में 10,000 रुपये, तो वो क्या करेगा रुपए का, वो कनाडा में बैठा, आपने उसको गांधी जी के 5 नोट चिपका दिए पिंक रंग वाले, वो क्या करेगा। तो आपको अगर किसी फॉरेन कंट्री में कोई भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भेजनी है या उसको देनी है तो भी आपको डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब मेनली प्राइमरीली चार ऐसे फैक्टर्स हमने लिख लिए जिसकी वजह से आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डॉलर की, या मतलब फॉरेन एक्सचेंज की। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो भी हम यही आंसर लिखेंगे कि भाई हम क्यों डिमांड कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, और या फिर वो इसी को पूछ लेगा कि आपको डॉलर क्यों चाहिए, तो भी मैं यही आंसर लिखूंगा कि मुझे ये सब काम करने हैं इसलिए मुझे डॉलर्स चाहिए। तो समझ आ गया, चलो तो बस आज हम इतना ही करेंगे अभी, तो बस आप रिवाइज करके आना, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं।